खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची सिद्ध क्षेत्र नेमावर, जहां जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान विधायक आशीष शर्मा ने मंत्री का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। विद्यासागर जी महाराज के प्रवचन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कुर्सी पर बैठने से यह कहकर मना कर दिया कि प्रवचन के दौरान विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। इस दौरान ईरानी ने कहा कि आचार्य जी के सानिध्य में मानव खुद चलकर आता है। आज मुझे मुनिवरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अहिंसक मार्ग पर चलना, स्वावलंबन के साथ जीना और प्रभु का स्मरण करते हुए समाज के संरक्षण में अपने आप को समर्पित करने का भाव आपके माध्यम से जनमानस में जो भाव जागृत हुआ है, उसके लिए आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज विनती करती हूँ मैं कि आपके चरण राजधानी में पड़े तो राजधानी का भी उद्धार हो जाएगा। आध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए, मानवता को परिभाषित करते हुए आचार्य श्री मुनिवरों का आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज जिस पत्र को पढ़ा गया है, अधिकांश रूप से ये पत्र आध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए भी हिंसा के अवगुणों को लेकर जो संतों का सानिध्य प्राप्त कर सकता है, अहिंसा को जो अपने धर्म के रूप में अपना सकता है, उसका एक प्रतिबिंब इस पत्र के माध्यम से हम सबके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। खबर समय जगत के लिए खातेगांव से राकेश अजमेरा की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।